ओके तब तक अपने बारे में बताते जाइए, मैं लास्ट में इंट्रोडक्शन दे दूंगी, तब तक आप लोग बता दीजिए। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, दे कैन मस्ट स्विच ऑन योर कैमरास, क्या कहते हो? हाय युवराज, हाय ऋषभ, तो आप में से कितने लोग अवंती के लिए नए नए बच्चे हैं, या इससे पहले कौन लोग आ चुके हैं ऑलरेडी अवंती में? ओके मैम मैं भी नया हूँ। ओके क्रिश, क्रिश एनीवे ओके सो वेलकम टू वंती सेशंस एवरीवन। एक्साइटेड विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले ये चीज है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। आप लोगों को अपना टाइम टेबल एग्जैक्टली मिल गया होगा। मैं हूँ चीनू, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स, ठीक है जी? जी मैम। आज की क्लास मैथ्स यस की है, ये भी आपको टाइम टेबल में फॉर श्योर पता होगा। हर सब्जेक्ट की क्लास वीकली 2 बार होएगी, और ये मान के चलो कि आपका जो लेक्चर टाइमिंग है वो टिल 10 होएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब वो 10 बजे तक खींच जाया करेगा, राइट? ठीक जी मैम। है, तो ओके मैम। 9:45 से 10 के बीच में कभी भी ओवर हो सकता है, बट ये मान के चलो कि 10 तक तो है ही। ओके, और सबसे पहले दिन जब हम क्लास में आते हैं तो हमें अपने आप से, अपने टीचर से, खुद से एक डिसिप्लिन की कमिटमेंट करनी होती है कि भाई मैं अवंती में जा रहा हूँ, मेरा डेफिनेटली ऑनलाइन सेशन है। तो ऑनलाइन सेशन थोड़ा सा ऑफलाइन से मेरे को डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि ऑनलाइन में टीचर मेरे को सिर्फ वर्चुअली देख पाते हैं, अगर मैंने कैमरा ऑन करा है तो वो भी नहीं देख पाएंगे। तो मुझे उस कमिटमेंट पे रहना है क्रिश, कि मैंने, मेरे को जो काम है लौट हुआ वो मैं करना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, समय की तो बहुत हमारे पास कटौती है, तो टाइम शॉर्ट है, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़नी है, ठीक जी है जी? मैम। और मेरे को अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना है कि क्योंकि मेरे को अभी से, अभी मैं टारगेट करूंगा तो ही, आज से कितने महीने ये लगा लें, 12 और 3 महीने, मतलब मेरे पास 15 महीने, 15 महीने में मेरे को IIT क्लियर करनी। क्या कहते हो? आप में से सब लोग IIT जाना चाहते हो गे? यस मैम। ठीक है, तो सब यस कॉलेज भी सोच लो, और अपने आप से ये कमिट करो, भाई मेरी 8:30 की क्लास है, मैं 8:25 पे ज्वाइन हो जाऊं, क्योंकि टीचर 8:15 पे ज्वाइन हो जाते हैं। जिसका जो डाउट है, 8:15 से 8:30 का टाइम आप लोगों का होता है अपने डाउट क्लियरेंस का, जो पहले ज्वाइन होगा वो टीचर से अपने डाउट पूछ सकता है, ओके मैम। ठीक है ना? क्योंकि 10 बजे के बाद तो आपको भी फील होगा हम एग्जॉस्ट हो गए, टीचर को भी लगेगा भाई मैं थक गया, तो इससे अच्छा पहले ही ज्वाइन कर लो। क्या कहते हो? टीचर तो 8:15 पे आ जाता है क्लास में। ओके, यस तो मैम। भाई हम पढ़ने के हवाले हैं, कैसा कैसा करिकुलम रहेगा उस चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, दे कैन आस्क। मैम इज इट कंपलसरी कि हम हमेशा मतलब कैमरा ऑन करके ही रखें? कृष, अगर आपका नेट या आपका बैकग्राउंड आपको ऐसी पॉसिबिलिटी देता है तो आप कर लो। टीचर जी मैम। कैमरा ऑन करके पढ़ाता है वो फॉर श्योर है, वो 100% पूरी क्लास में टीचर कैमरा ऑन ही रहेगा। अगर आप कर सकते हो वो वेल एंड गुड, वो टीचर को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई बच्चा मेरे को दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपका नेट नहीं आपको दे रहा तो आप कर सकते हो बंद, बट माइक आपको अपने डाउट्स के लिए, क्वेरीज के लिए आप माइक
हमेशा आपको परमिशन होती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कॉन्वर्सेट करोगे तो आपके डाउट्स ज्यादा क्लियर रहेंगे। अगर आप मुझे टेक्स्ट करते जी रहोगे मैम तो शायद मेरे डाउट्स, मेरे को आपके डाउट्स कम क्लियर रहेंगे कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। जी बिल्कुल ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नो मैम हाँ जी, किसी को भी? मैम ये नो हमारा फाइनल टर्म तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का? डियर सिलेबस, हम मैक्सिमम टॉपिक्स उनको उठाएंगे जो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद रेस्ट जो टाइम बचेगा उसमें हम सिलेबस की तरफ जाएंगे। लेकिन वही कि हमारा मेन टारगेट जेई है, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले मैं उस पर फोकस करेंगे हर सब्जेक्ट में। ओके मैम थैंक यू। एनी एल्स? नेहा मैम, फैजान सर, आपको कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है? यस मैम। जी हाँ बच्चों, आपको अभी और कोई डाउट नहीं रहा रिगार्डिंग सिलेबस को लेके या फिर कुछ भी एग्जाम को लेके? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके बियॉन्ड कुछ? देखिए बच्चे, जब क्लास होती है क्लास होती है, लेकिन क्लास के बिना आप लोग टीचर्स के नंबर्स आपके पास होते हैं, जब आप ग्रुप है उसमें आपके आपके टीचर्स के नंबर मिल जाते हैं बाय नेम, तो आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो टीचर को। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी फेस हो रहा है तो आप टीचर को कॉल भी कर सकते हो, चलेगा ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा करिकुलम बता देती हूँ कि मैथ्स में हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी? क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगी तो मैं मैथ्स के बारे में ही आपको बता सकती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा करिकुलम बता देती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं, कहाँ पे आपको आपके नोट्स। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस विजिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स का एक बेसिक मैथ्स होते हैं, बेसिक मैथ्स में क्या होता है कि मेरे पास वो सब चीजें होती हैं जो मेरे को प्लस वन का मैथ शुरू करने से पहले आनी चाहिए। और आप लोगों ने, सब लोगों ने एक बार कुछ परसेंट तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। नाउ इट्स अक्टूबर, क्या कहते हो, पढ़े या नहीं पढ़े? यस मैम। तो सबने पढ़ रखा होगा? यस मैम। ठीक है, तो हमारी जो दो क्लासेस है जाने की, ये वाला वीक जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स में। इसमें हम आप लोग को बताएंगे इक्वेशंस क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती है, लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम आप लोगों ने कहीं कहीं यूज करा होगा, बड़े बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही होगी लॉग में। तो ये दो लेक्चर्स जाएंगे हमारे बेसिक मैथ्स में। नेक्स्ट हम लोग 3 लेक्चर्स देने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, देन लेटर ऑन क्वाड्रेटिक। ये वो इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मेरा टॉपिक आएगा क्वाड्रेटिक, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, देन स्टैटिस्टिक, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पूरा कॉनिक, ठीक है डियर? और उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये वो टॉपिक्स है जो मेरे को जेई के लिए इम्पोर्टेंट क्लास 11 से। तो सबसे पहले हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों? इसके अलावा अगर कभी लगे कि भाई मेरे को ये टॉपिक भी करना था, किसी भी बच्चे को लगे, तो वो क्या कर सकता है, हमारे ऑलरेडी दूसरे बैचेस चल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमने अवेलेबल कर रखी है, तो आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। टीचर आपको बता सकते हैं अभी कौन सा लेक्चर आप देख लो कि आपका दूसरा तो कोई टॉपिक जो आप चाहते हो वो कवर हो जाए, क्लियर है? यस मैम। आफ्टर दैट जो आप लोगों को एक लिंक शेयर किया जाएगा, बिटली लिंक, वहां पे जैसे मैथ्स का बिटली लिंक अलग है, वो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें जब लास्ट में जाओगे नीचे आपको 11 जेई ओपन बैच की टैब दिख रही है, इस टैब पे जाना और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आज फर्स्ट क्लास है 16 अक्टूबर को, तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसकी रिकॉर्डिंग कल तक यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। क्लास के नोट्स जस्ट आफ्टर द क्लास, जब भी आप क्लास एंड करोगे ना आपके नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे,
और आज की क्लास के बेसिस पे जो डीपीपी होनी चाहिए थी, जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। क्लियर बच्चों? ओके मैम। तो ये जो लिंक होगा वो मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। मैथ्स का लिंक आप लोगों के पास है bit.ly/trinumap। ठीक है जी, ये कभी नहीं होगा कि आपका लिंक अपडेट ना हो। नोट्स इमीडिएट अपडेट हो जाते हैं और जो आप लोगों के रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे अपडेट हो जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मेरे को लग रहा है आपके डाउट क्लियर है। आपको ये पता चल गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मेरा यहाँ से सिलेबस खत्म होगा तो मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा कि नोट्स कहाँ थे, डीपीपी क्या थी, मैंने उसके बेस पे मॉड्यूल क्या करा था। तो एवरीथिंग इज देयर ऑन माय लिंक। क्लियर है बच्चों? यस मैम। जो लिंक है ये हमेशा सेम ही रहता है और ये आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ भी पूछना है, दे कैन आस्क। मैम नोट्स भी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही आएंगे ना? नोट्स वही इसी लिंक पर है बच्चे। मैंने आपको शेयर करा ना कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखिए आपके पास तीन टैब्स बनी है। सबसे पहले क्लास रिकॉर्डिंग, सेकेंड क्लास नोट्स। तो क्लास रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, क्लास नोट्स पे उस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आ जाएंगे। नोट्स मतलब जो क्लास में पढ़ा होता है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी चाहे वो कितने भी पेजेस। ओके मैम। क्लियर है जी? तो कोई मैस नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट चीजें हैं कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। पहले दिन लगेगा, दूसरे दिन आपको पता चल जाएगा। अगर किसी के फोन में ये जो शीट है वो प्रॉपरली ओपन ना हो तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने फोन में गूगल शीट डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। तो अगर अभी किसी का क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज आई गेस वी कैन गो हेड विद द क्लास। हाँ जी फैजान सर, कैन आई गो हेड विद द क्लास? मैम ये सिलेबस जैसे कब तक कंप्लीट होएगा? हमारा जो टारगेट है ना बच्चे, वो टारगेट हमारा फेब में है कि हमारे एंड से 17 फेब तक हमने जो सिलेबस आपको शो किया है वो खत्म कर देंगे। ओके मैम। ठीक है जी। ठीक है मैम, अगर स्टूडेंट्स के नहीं अभी डाउट तो आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। आपका ये पहला सेशन है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। कहीं किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी को लगे मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया तो फट देने बोल देना कि मैं मैम मेरे को यहाँ से रिपीट कर दो। नो शाइनेस। क्लियर? यस मैम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि देखो अपना सपना यही है, मेरा टारगेट यही है, आप लोग अपना टारगेट देखो। आप लोगों का 2025 है ना? यस मैम। यस यस। तो मतलब आप लोगों को ना एनालिसिस पता चलता जाएगा। जैसे मैंने एक टॉपिक की बात करी थी बच्चा पार्टी, मैथमेटिकल रीजनिंग, याद आया? तो मैंने कहा कि हम कवर करेंगे ही करेंगे। yes. वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं भाई अगर ये टॉपिक मैंने कर लिया तो मेरे चार नंबर फोर श्योर पक्के हो गए, जो आएंगे ही आएंगे मेरे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके पक्के ही पक्के एक क्वेश्चन में आना ही है। एक क्वेश्चन आने का मतलब है चार नंबर। सबको पता है ना जेई में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, हर सब्जेक्ट के 25 आते हैं, हर क्वेश्चन की कितनी वेटेज होती है? 4 मार्क्स। तो हम तो यहाँ पे नंबर्स के लिए फाइट करते हैं। क्लियर? आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने की फाइट मानी है इस पे, इस चैप्टर के लिए। चलें? yeah. तो जो बेसिक मैथ है डेफिनेटली उसके लिए कोई फाइट नहीं माने, क्योंकि बेसिक मैथ तो अपने आप में बेसिक है जो मेरे को आना चाहिए। राइट एवरीवन? ठीक है जी। yes, तो बच्चा पार्टी, जब मैं बेसिक मैथ की बात कर रही हूँ तो आपको इसमें बेसिक आइडेंटिटी, क्या आप सबको बेसिक आइडेंटिटीज आती हैं? वही वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल। यस मैम। यस मैम। a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब एंड सो ऑन, जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है। यस मैम। राइट। तो ये मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। ठीक है।
नेक्स्ट चीज भाई, अपन एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, वो क्या, टेंथ क्लास में आप लोगों ने टेंथ तक ये पढ़ा था कि जब एक्स स्क्वायर का मॉडुलस स्क्वायर रूट ले लूंगी तो मुझे एक्स देगा। यस मैम। लेकिन क्लास 11 में आके ये टॉपिक ये फंडा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं बात करूंगी भाई ये मॉडुलस एक्स देगा, जाने कि इट कैन बी प्लस एक्स, इट कैन बी माइनस एक्स। क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। देखो अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये 9 के बराबर है, तो एक्स कितनी हो सकती है बेटे? इट कैन बी प्लस माइनस 3, वही वाली चीज है जो हम लोग बात करते हो। तो इन द सेम वे अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो किसके बराबर होगा एक्स? प्लस माइनस 4। ग्रेट। अगर एक्स स्क्वायर 25 है देन एक्स मस्ट बी प्लस माइनस 5। ग्रेट, वंडरफुल। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें कि जो थीटा है, जो थीटा है, अगर आप ट्रिग्नोस सबने पढ़ी है टेंथ में बेसिक, कि जब थीटा मेरा पाई बाय 2 से पाई तक जाता है, इसका मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाता है, और अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव। और अगर यही मैं स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, राइट बच्चा पार्टी? क्लियर मैम? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी बताइए, क्या समझ नहीं आ रही थी मैम? ये रूट साइन स्क्वायर थीटा, मैम ये आपने क्या बताया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना है, मैंने मैम पढ़ा नहीं था मैम ये। देखिए ध्यान से देखिए, आपने शायद टेंथ में 4 क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। यस मैम। ठीक है जी, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस मैम। ए का मतलब सारी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन का मतलब ये साइन का उल्टा, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेकंड कॉट। तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 0 से 90। यस मैम। मैम पॉजिटिव क्यों रहता है? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, मैम साइन थीटा के सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों रहता है? पॉजिटिव क्यों रहता है? क्योंकि आप सोच के देखो, साइन थीटा किसके बराबर था? 1 / कोसेक थीटा से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर था। यस मैम। बच्चा पार्टी देखिए, जो ये हाइपोटेन्यूज है ये तो पॉजिटिव रहेगा, और आप बात करो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा सोच के देखो, y-axis पॉजिटिव पे नहीं? यस मैम। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स साइन, अब आपने बात करी थी ऋतिक की साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका रूट लिया, तो आपको ये पता मॉडुलस साइन थीटा देगा। यस मैम। लेकिन मैंने बोला कि जो मेरा थीटा है वो 90 से 180 डिग्री, जाने कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में बैठी हूँ? मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। यस मैम। तो फिर पॉजिटिव आंसर देगा ना बच्चे? यस मैम। क्लियर? यस मैम। मैम एक बार मॉडुलस वाला भी बता दो। मॉडुलस वाला भी बता दो। देखो बच्चे यहाँ पे बात करो, आपने बोला कि x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो आप इसको क्या लिखते हो? आप इसको लिखते हो ना x is equals to root 9। Yes ma'am। और हमने पढ़ा है कि भाई root 9 क्या देगा, या प्लस देगा या माइनस 3 देगा। Yes ma'am। तो इसी चीज को हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको मॉडुलस x भी लिख सकते हैं। मैंने मॉडुलस को बता दिया कि दो चीजें देता है, या प्लस या माइनस। क्या बच्चों? एनीवन एनी क्वेरी टिल देयर? नो मैम। मैम हां जी, क्या मैम रूट 9 की वैल्यू आपने प्लस माइनस 3 की है? जी जी। लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व करने के टाइम तो हम लेते हैं रूट में जो भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। रूट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी। मेरा यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है कि भाई जो एक्स स्क्वायर है वो 9 के बराबर कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 3 होगी या एक्स की वैल्यू माइनस 3 होगी? तो दो वैल्यूज देगा,
यही अगर मैं आपको ये बात कर देती कि भाई माइनस 27 एक्स क्यूब के बराबर है, तो ए की वैल्यू वाली टू ना माइनस थी। क्लियर और नॉट? मैम फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को देते हैं। नहीं, हमने यहाँ पे कंडीशन ही ना दे रखी, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ एक्स जो है उसको जब रूट में लेते हैं तो वो मॉडुलस एक्स देता है, यानी कि इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है तो मेरे पास दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मेरे को कंडीशन दे रखे तो एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है तो मेरे पास एक वैल्यू पॉसिबल है, जो कि साइन थीटा के केस में हुआ। हाँ जी, एक बार म्यूट कर लीजिए जिनके बैक एंड पे काफी नॉइस है। अब जो आप बात करते हो ना कि ये मॉडुलस एक्स है, ये आप लोगों को हमेशा ट्रबल देता है कि भाई मैं दो चीजों में स्प्लिट होता हूँ, एक एक्स एक माइनस एक्स। एक्स कब होता है? जब मेरी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और माइनस एक्स कब होता है? जब मेरी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आप लोगों को याद करो कि a, अब आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि a प्लस बी का जो होल स्केयर है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी के बराबर आते हैं। हाँ जी बच्चे, भी हैंड रेस किसने किया? हाँ जी पंकज बोलिए। तो ये आपने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जाने कि मैं ये लिख सकती हूँ, ये यूज बहुत जगह पे करेगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस टू ए बी के बराबर होता है। इन द सेम वे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है वो ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस टू ए बी के बराबर होता है। बच्चा पार्टी एग्री? यस मैम। तो मैं इस रिजल्ट को क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्केयर माइनस टू लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्केयर प्लस टू लिख सकती हूँ? किसी को आपत्ति इसमें? नो मैम। ठीक है, सबको क्लियर? किसी को लग रहा है मेरे को पूछना है तो बताइए। नो मैम। तो इसी के बेस पे देखो प्रश्न बन गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? भी मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने अभी रिलेशन लिखा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, यानी कि तीन का स्क्वायर माइनस दो, तो कितना आया बच्चे? नौ माइनस दो सात आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये दिया है तो ये सब लोग कर लेंगे? यस मैम। फटाफट पॉल चलेगा, पॉल क्रिएट कर लें, पता तो चले कितने बच्चे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। पता है पॉल कहाँ से आते हैं मैम? हाँ जी मैम, एक बार आप दोबारा वो जो रिलेशन आपने निकाला था ना स्टार्टिंग में, ये वाला मैम एक बार रिलेशन बताना दोबारा एक बार। तो आपके पास अगर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है वो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगी। ये सुन लो। यस देख, डाउट है तो पूछो। मैम ये x पावर फोर हो जाएगी ना यहाँ पे, जब हम एलसीएम लेके करेंगे ना। अरे एलसीएम क्यों लेना है, इसको एज इट इज तो रखा है मैंने, मैंने कौन सा कुछ चेंज करा है? इस सम को इधर ही रख लिया, ये 2 को उठा के उधर भेज दिया। अच्छा मैम, 2 को आपने उठा के यहां पे भेज दिया, और ये पूरे को है ना, जैसे x स्क्वायर नीचे ऊपर था दोनों साइड, आपने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया।
मैंने कुछ नहीं करा डियर, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये एज इट इज पढ़ा है, ये टर्म एज इट इज लिखी है, बस ये टू को शफल करा है, टू का अच्छा, ओके, उठा के सीट बदल दी। अच्छा हाँ, समझ गया समझ गया, समझ गए? यस मैम। किसी और को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो फटाफट पॉल पता सबको कहाँ से आएगा, आप लोग सब मोबाइल से ज्वाइन हो। इसका आंसर है प्लस माइनस थ्री। आपको यार नीचे हैंड के साथ थ्री डॉट्स दिख रही है बच्चा बाटी? ठीक है, तो थ्री डॉट्स पे जब क्लिक करोगे उसमें आप लोग एक्टिविटीज में जाना, ठीक है, एक्टिविटीज में जाके देखना आपको पोल दिखेगा। अभी दो एक सेकेंड, हर क्लास में एक या पोल दो पोल होते हैं, तो भाई अपने रेडी रहना उन पोल के साथ। ओके, तो देखिए मेरे को बताइए फटाफट हैंड रेस करके किस किस को दिख गया। अभी आपको एक मैसेज भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा नीचे, नोटिफिकेशन एडमिन स्टार्टेड पोल। अरे वाह, वोट्स भी आ गए, ग्रेट, मुझे पूरे के पूरे वोट्स चाहिए। हंड्रेड परसेंट वोट्स चाहिए, ठीक है जी। ग्रेट ग्रेट, 11 स्टिल वेटिंग फॉर अ रेस्ट। आज की क्लास में आप लोग सब लोग सब चीजें सीख जाओगे, मुझे पोल का कैसे आंसर करना है, मेरे को क्वेरी कैसे पूछनी है, मुझे मैसेज कैसे करना है, मुझे टीचर को हैंड रेस कैसे करना है। हाँ जी मुकेश बोलिए। थर्टीन वर्ड्स आर देयर, रेस्ट, हरी अप। डन, किसी को अभी पोल करना है या नहीं? बस डन डन, 15 बोर्ड्स आर देयर। ठीक है, तो बच्चे करेक्ट आंसर देखो, पारस ने हमें पहले ही बता दिया था, राइट पारस? तो भाई आंसर मेरे पास जो मैक्सिमम वर्ड्स ने दिया है वो प्लस माइनस थ्री दिया है। लेट्स चेक, आपको ये 11 के बराबर दे रखा है, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर जो है वो 11 प्लस 2 माइनस 2 के बराबर होगा, तो 9 आ गया। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई बच्चे, सेकंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्या कहते हो? Great. तो ये आपका कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बेस था, मतलब इट डजंट मीन कि यही जेई में आ गया, ये जेई का लॉजिक नहीं है, लेकिन जेई में जाने से पहले मुझे कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ती जो मैं भूली होती हूँ, कि जैसे आप लोगों को नहीं याद था कि ये क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटीज कैसे बनाई थी, राइट? तो आप लोगों को याद होगा अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल किस किस ने पढ़ा था क्लास में? रियल नंबर्स के बाद, है ना? यस मैम। ठीक है, तो भाई पॉलिनोमियल में आप लोगों ने क्या देखा था? पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि मेरे पास किसी का एक रियल रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ऐसे बात करें। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो कोई इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं आपको पूछूंगी कि इसके कितने रूट्स होंगे, कितनी जीरोस होंगी, तो आप लोग क्या बोलोगे? कितने होने चाहिए? हाउ टू चेक?
मैम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ द सबसे ज्यादा पावर देखो, और किसको देखो, इंटीग्रल पावर को, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को। मेरे को पूरी इक्वेशन में देख रहे हैं कि भाई मेरी सारे जो एक्स है उनकी पावर पॉजिटिव और इंटीजर वैल्यू है, या ये मान लो कि नेचुरल नंबर्स है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो पावर होगी, जैसे एक्स की पावर 4 है तो इसका जो डिग्री होगा वो 4 होगा। तो जितना डिग्री होता है उतने ही रूट्स पॉसिबल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल है, 4, ठीक है, बताओ क्लियर। अब मेरे पास yes, कभी कभी रूट्स रैशनल भी हो जाते हैं, कभी कभी मेरे पास रूट्स रियल हो जाते हैं, इमेजिनरी भी कभी कभी बन जाते हैं, और कभी कभी इरेशनल भी बन जाते हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो ये चीज को ध्यान रखना, जब भी इरेशनल रूट्स बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं, जाने कि अगर एक का मुंह इधर दूसरे का इधर, ठीक है, उसका मतलब अगर एक बोल रहा है ए प्लस रूट बी तो दूसरा कैसा दिखेगा, ए माइनस रूट बी, बन गई बात। Yes, ma'am. ठीक है, और इमेजिनरी कैसे दिखते हैं, जब ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको मैं बोलती हूँ ना कि वो रूट ए आयोटा बनेगा। इसका मतलब जो रूट्स मेरे ए प्लस आयोटा बी दिखेंगे ये भी कॉन्जुगेट्स में होंगे, दूसरा ए माइनस आयोटा बी होगा। मतलब जहाँ पे 10 पॉजिटिव बंदे बैठे हैं वहां कोई ना कोई नेगेटिव बात करने वाला बंदा भी जरूर बैठा होगा, सही में बात बोल रही हूँ ये पक्की वाली। अब बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मुझे इसके रूट्स निकालने, वेरी मच क्लियर है कि दो ही होंगे। yes, ma'am. तो आप कैसे yes, निकालोगे, फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, तो भाई मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिटरमिनेंट फॉर्मूला, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी ये गलती मेरे से भी होती है क्रिश, आपने बोला ना, नहीं तो मैं बोल देती डिटरमिनेंट, ये गलती मेरे से भी होती है क्योंकि अपन के दिमाग में अभी 11th में जाके 10th के कांसेप्ट भूल जाते हैं, नाम ही भूल जाते हैं, बड़े सिमिलर है। तो क्या बनेगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जाने की वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू ए, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। तो देखो कैसे दिख रहे हैं ये, इमेजिनरी है, डू यू थिंक इट्स इमेजिनरी, ऋषभ रितिक? यस मैम। इमेजिनरी है, रूट में नेगेटिव तो नहीं दिख रहा, No, ma'am. तो ये इरेशनल है, और दोनों कैसे दिख रहे हैं, अगर एक वन माइनस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू है तो दूसरा माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू है बच्चा पार्टी। yes, ma'am. Yes. तो बड़े आगे yes, ma'am. ma'am, ये इमेजिनरी वाला अगर समझाना, इमेजिनरी वाला अब देखो इसी को थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन दिख रही है, फैक्टर तो नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक है, कितने रूट पॉसिबल है, दो, यानी कि माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री अपॉन टू बन गया। Yes, ma'am. रूट में क्या बना, नेगेटिव, तो ये कैसे इमेजिनरी रूट, क्लियर बच्चों? मैम इसका मतलब जैसा अगर रूट में अगर माइनस में होगा तो वो इमेजिनरी है जी, बिल्कुल। ओके मैम, ठीक, समझ आ रहे हैं? यस मैम, यस मैम। किसी के ओवरफ्लो तो नहीं गया? नो मैम। ठीक है, मेरी भाषा समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, यस मैम, ग्रेट।
तो भाई अब क्वेश्चन आपको दे रखा है x square plus 1 upon x का whole square minus 5x minus 5 upon x plus 8. देखो देखने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्या कहते हो? थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, कैसे? थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, x square plus 1 upon x square as it is, minus 5 कॉमन निकाला तो x plus 1 upon x दिखा. Yes ma'am. Plus yes, ma'am. अब ऋतिक को तो याद आ गया होगा, उसने डाउट पूछा था कि मैम x square plus 1 upon x square को मैं x plus 1 by x का whole square minus whole square. Yes ma'am. ठीक है, तो मैं वही मैजिक करूंगी, मैं इसको x plus 1 by इस टर्म को x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख लूंगी, माइनस 5 इंटू x plus 1 upon x plus 8 is equals to 0, सही है? Yes ma'am. इतना लिखना मेरे को बड़ी दिक्कत दे रहा है, बहुत बार लिखना पड़ रहा है, तो लेट मी पुट x plus 1 upon x is equals to t. Yes ma'am. तो भाई आपके पास t square minus 5t plus 6 is equals to 0. फैक्टर आते हैं सबको? Yes ma'am. Yes. 6 बनना चाहिए 5. t square minus 3t minus 2t plus 6 is equal to 0. तो t की वैल्यू 3 और 2 आ गई. Yes ma'am. आ गई सबकी? Yes ma'am. ठीक है, मुझे किसकी निकालनी है? मुझे x की निकालनी है, तो यहाँ पे चलेंगे, x plus 1 upon x की वैल्यू 3 आ गई, या फिर भाई x plus 1 upon x की वैल्यू 2 आ गई. अब सॉल्व कर सकते हो आप लोग? स्केयरिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, क्या कहते हो? सॉल्व फॉर x था ना? हाँ जी, क्या कहते हो बच्चों, हो जाएगा सॉल्व? एक दिमाग चलाओ, एक चीज सोचो, थोड़ी छोटी छोटी बातें, कि दो चीजों का सम 2 के बराबर और रेसिप्रोकल भी है, तो कब पॉसिबल है? जब x की वैल्यू 1 होगी. यस मैम. ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, x square plus 1 is equals to 3x, इसका मतलब x square minus 3x plus 1 is equals to 0, इसको आप सॉल्व कर लो, कर लोगे? Yes ma'am. हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. ग्रेट शिवम, सबको क्लियर है जी? बाकी लोग भी बोल पड़ो, कुछ yes, बच्चे इस बात कर रहे हैं. Yes ma'am. ठीक है, ग्रेट, मेरे को देखना है फिर, मेरा ना एक अच्छा सा डायलॉग है, लेट मी चेक किस किस को आता है, वो अक्षय कुमार का गाना है ना, हर क्लास में याद कराऊंगी, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल. ग्रेट. जब कोई नहीं बोलेगा तो फिर मेरे को ये याद करवाना पड़ेगा, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अच्छे से बोलूँ, अरे कुछ तो बोल, आप लोग बोलोगे अपने. ठीक है जी, चले आगे. यस मैम. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी? Yes ma'am. क्लास 10th में किस किसने पढ़ा था, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? गायब हो गए सब. क्या गायब हो गए सब? पता नहीं मैम, सन्नाटा हो गया. क्वेश्चन दे दिया ना? सिंपल सी बात है, माइंड सेट होना चाहिए. चीनू मैम की क्लास मींस इंटरेक्टिव, मजे से पढ़ना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुद ब खुद. काफी लोगों का मन कर रहा होगा यार क्वेश्चन मैं फटाफट सॉल्व करके बता दूं, कोई अच्छा सा डायलॉग आ जाएगा. क्या सोचा जाए? फिर बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, इस क्वेश्चन से पूछो तेरे साथ क्या किया जाए, कैसे बोलेगा? एक चीज मुझे दिख रही है, देखो जो क्लास 10th का ट्रेडिशनल मेथड था वो आपको आते हैं, उससे मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं हूँ कि आपको नहीं आता, सबको आते आता है ना?
वो बेसिक सा मेथड मैम, बैठ के जीरो पुट कर लेंगे, वन पुट कर लेंगे, माइनस वन पुट कर लेंगे, क्या कहते हो, हिट एंड ट्रायल? अब तो मेरा लेवल अप हो गया और मैं अवंती में भी आ गया और चीनू मैम पढ़ा रही है मुझे, तो मैं अभी भी वही हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा? नहीं ना, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए एक्स स्क्वायर से, राइट? तो मेरे पास क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा, माइनस फाइव एक्स दिखेगा, प्लस एट दिखेगा, माइनस पांच बाय एक्स दिखेगा, प्लस एक बाय एक्स स्क्वायर दिखेगा, इक्वल्स टू जीरो। जीरो, ठीक है निशांत? यस यस मैम। राइट, तो भाई अब दिख रहा होगा ये इकट्ठे हो रहे हैं, जोड़ियां बन रही है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये एक जोड़ी, माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1 बाय x, 1 बाय x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगी कि ये तो x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। यस मैम। माइनस 5 x प्लस 1 बाय x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्यों? यस मैम। अब चीनू मैम सबसे आलसी बच्ची है क्लास की, तो वो क्या करेंगी, वो x प्लस 1 अपॉन x को t पुट कर देंगी, कितना कौन लिखेगा, पेन भी वेस्ट होगा मेरा। तो बच्चों t स्क्वायर माइनस 5 t प्लस 6 बराबर है 0, ये तो वही फैक्टर्स बन गए। ये मुझे याद है कि t की वैल्यू 2 और 3 आएंगी। यस मैम। है ना, सही बोला? यस मैम। तो मेरे को ये भी पता है कि जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ से मेरे को पीयूष x 1 मिल जाएगा। यस मैम। और दूसरी बार जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 होएगी तो भाई मेरे को क्वाड्रेटिक, इस पे तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, एग्री? यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। ठीक है, तो सबको क्लियर? यस मैम। पॉलीनोमियल yes. बातें करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, होमवर्क असाइन कर दूं? यस मैम। ओके मैम। क्या करोगे, सेम करोगे? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ग्रेट, छोड़ दूं, छोड़ दिया जाए? यस मैम। यस ठीक है, मैंने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ना, आपने घर पे करना है क्लास के बाद। ओके मैम। होमवर्क चेक करूंगी फिर मैं। चलिए, ये आइडेंटिटी किस किस को आती है? यस मैम। सबको आती है? यस मैम आती है। यस मैम आती है। अगर अगर कहीं ऐसा दिख जाए a प्लस b प्लस c प्लस d, आईटी वाले आपको पता है क्या करना है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ घुमा के ही देना है। अब चार का स्केयर पूछ ले, उन्हें पता है कि तीन का तो आपको आता है, दो का तो आता है, उन्हें पता है कि ऋतिक तेरे को चार का नहीं आता होगा, मैं चार का क्वेश्चन पूछूं? ऐसे कभी कभी हमारे स्कूल में भी होता है ना। इसको इसको मैम थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे, मतलब जैसे मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसको आगे d स्क्वायर भी क्या पता करते हूं मैम। हां सही बोला बच्चे, सही पकड़ा, x a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और मैम ये जो 2 into AB plus BC plus CD हो जाएगा और plus AD हो जाएगा। हाँ हाँ ग्रेट, देखो A को तीनों से कॉम्बिनेशन बनाओ, A B A C A D, ठीक है, फिर B को बना लो B C B D और एक बचा C D, कैसे चलेगा? Yes ma'am। सारे कॉम्बिनेशंस बन गए? Yes ma'am। सबको क्लियर, लक्की जी क्लियर? Yes ma'am। Yes ma'am। ठीक है, मैं देख रही हूँ कितने बच्चों का माइक चल रहा है। प्रशांत क्लियर? देवांश, निशांत, प्रतीक, यस मैम, युवराज, पारस, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, अब अगर मैं पूछूंगी पारस से कि बच्चा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e का होल स्क्वायर बता दे, तो फटाफट बता देगा हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन लेके फिर इन पांचों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट।
निकाली है। फॉर एग्जांपल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस शॉर्ट में ऐसे लिख दूं? यस मैम। देखो मैंने आगे समीशन लगा दिया कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर ई का स्क्वायर है ना, प्लस टू टाइम्स समीशन ए बी के पास जाएगा, ए सी के पास जाएगा, ए डी के पास जाएगा, ए ई के पास जाएगा। यस मैम। वो वैसा सा ही, वो जैसे कई कंपनीज नहीं करती हैं कि आगे आगे मेंबर बनाओ, वही 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 काम करना है। चलो भाई अब ये बताओ, रेडी रेडी स्टडी गो। यस मैम। दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, मुझे पता है कि देखो लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है जेई में हमेशा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है समीशन ए स्क्वायर प्लस टू टाइम समीशन ए बी, ऐसा दिखता है क्यों? ये तो जीरो है, ये सारा का सारा किसके बराबर है? दस के। टू टाइम समीशन जो मुझे चाहिए ए बी, तो रिक्वायर्ड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच्चे किसके बराबर होगा? माइनस दस बाय दो, तो माइनस पांच। क्या कहते हो? यस मैम। किसी को प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? पूछ लो बिंदास। मैम ये समीशन वाला दोबारा समझाना। शिवम समीशन का अपने आप में कोई लॉजिक नहीं है, ये तो एज अ टीचर मैंने बोला ना कि आलसी होने के कारण मेरे को ये लिखना है, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर मैं पूरा लिखने बैठ जाऊंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट, तो yes, उस लिखने में मेरा टाइम तो जाएगा ना। अगले साल सिलेबस खत्म होएगा, पेपर ही नहीं खत्म होएगा मेरा वहां पे। तो मैंने उसी को बस अपने लिए खुद के लिए, सबमिशन का मतलब है एक बार ए का स्क्वायर, अगली बार बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, टू टाइम्स सबमिशन का ए बी का मतलब है एक बार ए को बी से, ए को सी से, फिर बी को सी से। क्लियर है शिवम? यस मैम। तो बड़े आगे। यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन टिल देयर? नो मैम। ठीक है मैम, एक कंफ्यूजन है, ये माइनस टेन वाला, एक बार ये माइनस टेन से बताना। क्या बताऊं? ये ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला। हम्म, क्या करूं इसको? इसमें माइनस टेन वैल्यू है सही? ये कंफ्यूजन है, जीरो है। जीरो है ना? हाँ जी बच्चे, जीरो है ना? Yes. तो ये जो प्लस टू ए बी है इसने 10 को धक्का मारा दूसरी तरफ फेंक दिया, तो 10 दूसरी तरफ जाके माइनस का 10 होगा। Yes, फिर प्लस ये समीशन ए बी है इसने 2 को धक्का मारा मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हुई डिवाइड, तो माइनस 5। ठीक है जी, तो ये वाली आइडेंटिटी वेल नोन है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो, सबको आती है। बस इसमें दो और ऐड कर लेना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सबसे ज्यादा काम वाली है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरी तरफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चे जहां पे भी क्यूबिक दिखेगा ना ये मान के चलना कि ये दोनों वैसे दिखती हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा, ये भी आपके लिए वैसा ही काम करेंगे। कभी कभी ना फैक्टर्स नहीं बनते, लेकिन जहां पे ये रिलेशन दिख जाए और ये लग जाए तो सीधे फैक्टर्स कट जाते हैं। क्लियर? क्लियर। ठीक है। का क्वेश्चन आ गया बेसिक, करा हुआ टेंथ में, मुझे फॉर श्योर याद है टेंथ के एनसीईआरटी में था, था ये कट गया था मैम, ये वाला मैम नहीं था। क्या इसको कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लूं? यस मैम। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लूं बच्चों? क्यूब लिख लिया। यस मैम। अभी मैंने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर दिखता है, बोलिए।
a plus b a square plus b square minus right. तो आपको ये क्या दिखेगा cos square theta plus sin square theta right into फिर यहाँ पे आ जाएगा cos की power 4 theta plus sin की power 4 theta minus cos square theta sin square theta. Any confusion till there? No ma'am. तो बच्चे cos square theta plus sin square theta किसके बराबर होता है? मुझे ये पता है वन है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ सोचो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लूं यस मैम यस मैम तो बच्चे ये क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और एक और माइनस पड़ा तो ये तीन बन गए यस मैम तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 1 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो जो चाहिए था क्या वो बना यस मैम एनी कंफ्यूजन टिल देयर नो मैम मैम ये जो आपने एक कंफ्यूजन है मैम हां जी बोलिए मैम ये जो आपने cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा को जो आपने वो करा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की होल पावर में स्क्वायर लगा दिया है तो मैम ये आपके आगे से मैम आपने माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर वाले फार्मूला आपने दिया ये फार्मूला है क्या मैम a स्क्वायर प्लस ये मैंने लिखा ये फार्मूला है मैम ये फार्मूला नहीं है ये ड्राइव रिजल्ट है और आप लोगों ने क्लास में बहुत जगह पे हां जी बोलिए बेबी आपका नाम मैम ये मैम मैम मम्मी का नाम आ गया गलती मैम जैसे कि क्वेश्चन में हम प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और माइनस कर लेंगे उतने तो मैम फिर हम आइडेंटिटी बन के फिर मैम ये आएगा था हां तो आप अपना नाम बताओ मैं आपकी मम्मी का नाम ले लूंगी बताओ मैम रितेश कुमार अच्छा रितेश वो तो बेसिक मेथड है उसी से तो हम आगे चीजें डिराइव कर लेते हैं ना क्लास लेवल में सही होगा मैम बेसिक मतलब कि प्लस 2 को 2 को स्क्वायर थीटा साइन का थीटा अब आपने करा क्या आप ध्यान से देखिए आपने इस ड्राइव करने के लिए इस रिजल्ट को आपने ये जो प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको उस तरफ ऐड करा था उसको ऐसा लिख लिया और उसको इधर ले आया मैम ये कि ये क्वेश्चन में कह रहा हूं ना मैं तो ये cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा माइनस बिल्कुल सही बोल रहा है आपने प्लस 2 cos square theta जोड़ दिया sin square theta और इसी टर्म को माइनस कर दिया ठीक है यस मैम मैं ये बात कर रही हूं कि भाई ये तो मेरे को पता है ये तो क्लास 10th में मैंने करा था मेरे को इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठना है ना तभी तो मैं यही की तरफ जा पाऊंगी यस मैम ओके मैम आप क्योंकि आपको आज मुश्किल लग रही है लेकिन कल जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना और मैं आपको बोलूंगी बच्चे एक ऐड कर लो माइनस कर लो आप बोलोगे ना नहीं मैम हमें सीधा आता है हम सीधा ही कर लेंगे यस मैम हां जी पीयूष लकी रहते क्लियर यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है पारस शिवम निशांत लकी देवांश पीयूष यस मैम यस मैम युवराज यस मैम मैम थ्री क्लोज कर क्या 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अरे ये देख अब ध्यान से देख इन सब को मिला के तेरे पास होल स्क्वायर बन गया यस मैम और माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन नहीं देगा बताइए यस मैम आ गया सूरज आपके नेटवर्क में कोई इशू है बच्चे तो ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी कर ली हमने इसको दूसरे मेथड से करा आइडेंटिटी को याद आया यस मैम यस मैम तो yes. आपके पास क्वेश्चन आ गया कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन बताओ मैम हो जाएगा सबसे टेक 2 2 सेकंड
30 seconds only. Let me check कौन सबसे पहले answer कर रहा है. 30 seconds. Tick tick one. Done. देखो कभी कभी ना फिर ये वाली आइडेंटिटी भी काम कर जाती है. ध्यान से देखो, ये इस क्वेश्चन को जल्दी करने में हेल्प करेगी. अभी ये आपको बोल रही है कि भाई मैं किसके बराबर हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3ab इनटू x माइनस वाई. क्या कहते हो, एग्री? यस मैम. तो इसकी वैल्यू 4 का क्यूब प्लस 3 इनटू ये एक्स वाई है, ठीक है, 21 और इसके साथ 4, 4 का क्यूब 64, 63 इनटू 4. मैम बी ऑप्शन. देखिए सबका बी आ रहा है, 64 प्लस 12 24 25. मेरे को लग नहीं रहा जो आप बोल रहे हो उससे तो ऊपर जा रही 6 1 3. सी आएगा. कहाँ गलती हुई थी बी वाले की, कौन सा क्या छोड़ दिया था? हाँ जी क्लियर है जी. यस मैम. मैम वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैम एक मैम इसे ऐसा नहीं कर सकते, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है मैम, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई, और मैम एक्स माइनस वाई होती है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होती है मैम, एक ये एक एक आइडेंटिटी में. हाँ हमने करी ना ये, हमने आइडेंटिटी पीछे यही करी थी, मैंने लिखी थी ये देखो मैम, ये आइडेंटिटी मैम सॉल्व कर रहा हूँ. अब आप ये लिखी थी, अब इसको सेम सॉल्व कर लो. लेट मी चेक. देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको आपने लिखा था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही था राइट बच्चा? तो ए माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकती हूँ? तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बनेगा डियर. इट मींस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी. क्या कोई डिफरेंस आया? नो मैम. तो दीज आर द ट्रिक्स बेसिकली. हम अपनी आइडेंटिटीज को खुद ही चेंज कर करके रख लेते हैं कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसा कर लेंगे. पंकज क्लियर? अब आपने वही आइडेंटिटी लगाई जो इसको आपने एज अ क्रोलरी डिस्क्राइब कर लिया था कि थोड़ा चेंज कर लेते हो, तो बस वैल्यूज पुट करी है. पंकज मैंने एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की पता है, बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. क्या मैम मैंने वैसे करा कि ना x माइनस वाई का होल क्यूब मैम इसकी वैल्यू होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू होती है x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x वाई होती है वैल्यू. हाँ. तो मैम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने इधर से निकाल ली, इसका स्क्वायर करके दोनों साइड, ठीक है. तो मैम फिर वहां से मेरी वैल्यू आ रही थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की. मैं वैसे भी कर देती हूँ. क्या आपका आंसर में वेरी कर रहा है मेरे साथ? यस मैम. 316 आ रहा है. x माइनस y का होल स्क्वायर करा 16 के बराबर आया. इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy बना 16 के बराबर आया. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2xy यानि कि 42. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 58 आ गई. इतनी आई थी आपकी भी? यस मैम. फिर मैंने आपको आइडेंटिटी कराई ना कि x क्यूब प्लस माइनस y क्यूब की जो है
वो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर होती है। यस मैम। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 58, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 21, इतनी आई थी। यस मैम। तो 4 इंटू 79 बनो मैम 316। 80 को 4 से करूंगी 320, उसमें से 4 माइनस करें तो 316 ही तो आया, तो आंसर सेम ही आया। यस मैम सेम आया। क्लियर बच्चों? यस मैम क्लियर। तो एक इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, कर लोगे? करा क्या है शायद पता चल गया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा है कि होल स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो कहते हैं जब ऐसा रिजल्ट दिख जाए तो उसको क्या लिखते हैं, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नोटेड? बोले बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं डे वन से, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग सफर करोगे, सिंपल सी बात है। मैं नहीं सफर करूंगा। तो यहाँ इनके पीडीएफ नोट्स भेज दो, मतलब पीडीएफ तो मैंने बताया देखो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कि जैसे ही क्लास एंड होगी आपसे जब लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आपसे बातें करूंगी ना उतने टाइम के आपके नोट्स आपकी शीट पे अपडेट हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है जी। तो बच्चे अगर इस रिजल्ट में अगर मान लो कि ये जो चीज है ये मेरे को जीरो के बराबर दे दे, तो मुझे ये बताओ अगर कोई तीन चीजें होल स्केयर में है वो जीरो के बराबर कब आएंगी, जब वो अपने आप में जीरो हो जाएंगी। यस मैम। क्योंकि देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जीरो कब होगा, जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो होंगे। यस मैम। तो यहाँ पे भी आपको क्या पता चला कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए तीनों जीरो होंगे, तो ये अल्टीमेटली क्या बताएगा कि a b c आपस में क्या होंगे जब बराबर इक्वल जीरो यस मैम। तो क्या इससे रिलेशन फटाफट निकल जाएगा अगर कोई भी ऐसा हम तीनों इक्वल हो जाएंगे अरे तो ये मेरे को फटाफट अगर मुझे बेसिक पता है तो निशान क्या स्ट्राइक करेगा मैडम, पी क्यू आर बराबर है। यस मैम। यस मैम। अगला सोचो इसको क्या लिख सकते हो, 2p का होल स्क्वायर 4q का होल स्क्वायर, और ये दिख भी रहा है कि 2p इनटू 4q है, और ये दिख रहा है कि भाई r इनटू 4q है, और ये 2p इनटू r है। तो भाई यहाँ से भी क्या रिलेशन निकला कि 2p 4q और r बराबर हैं। यस मैम। लकी रितेश रितिक पीयूष निशांत यस मैम यस मैम सब बोला करो। यस मैम। इसका रिलेशन चाहिए मेरे को, 30 सेकंड्स का टाइम है, बी क्विक। 7p इक्वल 21 इक्वल 9r। तो सबको दिख गया मतलब यहीं से ही पता चल जाएगा राइट। यस मैम। ये कुछ प्लस माइनस का इशू होगा इसके साथ, तीनों माइनस नहीं है, कैन यू सी? मैम 7 इक्वल हो जाएगा जाने की, पहले तो ये चीज देखो माइनस कब नहीं है कब प्लस हो रहा है, जब पी की टर्म आ रही कॉमन में। यस मैम। जाने की यहाँ पे मस्ट भी माइनस 7p का होल स्क्वायर होना चाहिए था। यस मैम। इसका मतलब माइनस 7p 9 3q और 9r बराबर है डियर फ्रेंड्स। यस मैम। अश्मीर यस Yes, ma'am. तो बात बन जाए, क्या कहते हो बन गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो भाई इसका आंसर बता दो फटाफट, अब देखते किस किस को रिलेशन स्ट्राइक करने वाला है। थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने,
इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था वैसे मैम. ऑप्शन नंबर 1 बी. क्या ऑप्शन बी? ओके बी. एक बच्चे का बी आया. एनीवन एल्स? मैम मुझे बी ही लग रहा है. ओके आपको भी बी लग रहा है मैम? यस बी है. ओके मैम बी. तो भाई बिल्कुल सही है, सही उत्तर है कि बी ही आएगा. क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, इनको सबके साथ मीटिंग करवाया और जब ये मिले और ये प्लस की कुछ टर्म्स बनी उधर चली, तो अपने आप में एक्स जो है वो 3y के बराबर है जो कि 5z के बराबर है. क्या कहते हैं? यस मैम. ठीक है. ओके तो फिर ये आइडेंटिटी भी सिमिलर है, नॉन टू है. क्या कहते हो? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है इसके बराबर है. और अगर कहीं ये a प्लस बी प्लस सी जो है जीरो के बराबर मिल जाए, तो ये अपने आप में क्या कंडीशन देता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो 3abc के बराबर है. राइट? यस मैम. क्या कहते हो? यस मैम. तो अगर मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं क्या करूंगी? मैम क्यूब करना होगा दोनों साइड. अरे कुछ नहीं करना होगा, इसको इधर लेके जा. एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 8 जेड क्यूब जो है माइनस 24 एक्स वाई जेड जीरो के बराबर होगा. यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी थी कि या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या a b c c तीनों बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. अब इस रिलेशन में मेरे को ऑलरेडी दे रखा है कि जो x प्लस 4 y प्लस 2 z है जो कि 12 के बराबर है, दैट मींस वो 0 के बराबर तो है नहीं. मैम 1728 है आंसर. तो इसका मतलब ये x 4 z और 4 y प्लस 2 z ये तीनों बराबर होंगे. Yes, ma'am. और अगर मैं मान लूं कि भाई ये अगर तीनों बराबर हैं और ये k अगर ये तीनों k के बराबर हैं, तो ये 3k 12 के बराबर होगा. k की वैल्यू 4 आ जाएगी. राइट? तो बीस x इज इक्वल्स टू k दैट मीन्स 4, 4y इज इक्वल्स टू k दैट मीन्स 4. तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आया? 1. देन इज इक्वल्स टू 4, तो जेड की वैल्यू कितनी आई? 2. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेरा जो एक्स है वो कितना होगा? 4. मेरा जो वाई का वैल्यू है 1 और जेड का वैल्यू कितना होगा बच्चा? पार्टी 2 के बराबर होगा. क्या कहते हो? यस मैम. तो क्लियर? तो ये कुछ मतलब कुछ चीजें हैं जो मेरे को आज फर्स्ट डे से बार बार वही चीज बोली, फर्स्ट डे से मेरे को अपने आप को हैबिट डालनी है कि मेरे को जो पढ़ाया मेरे को आज के आज इसके प्रॉपर नोट्स बनाने, ताकि ये नोट्स मेरे पास रहे, जब भी मेरे को रिवाइज करना है मेरे को फटाफट से अपने नोट्स उठाऊं रिवाइज करूं. क्या कहते हो? और जो मेरे को क्वेश्चंस करवाए गए उनको मैं प्रॉपरली दोबारा से करके देखूं, तभी चीजें फ्रूटफुल होती है. अदरवाइज मैं आई बोल के चली गई, आपको कोई फायदा नहीं होगा. क्या कहते हो? अब इसको कौन करने वाला है? किस किस को आइडेंटिटी याद है? मैंने बताया ना फॉर्मूला स्टार्टिंग में करने से पहले, a q plus b q plus c q minus 3 है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? याद करो. ये फॉर्मूला था लिखा, नोटेड? यस मैम. तो जब नोट कर लिया तो फटाफट से बताएंगे. टेक 30 सेकंड्स टू कंप्लीट इट.
हाँ जी अजय, प्रतीक, युवराज, दिवांश, क्या कहते हो, बन गई बात? आ गया आंसर? कितना आया? नो अभी तो नहीं आया। ओके मैम, जीरो? अरे नहीं, जीरो नहीं आया। सही सही बात। मैं मोल भाव बहुत करती हूँ आंसर के टाइम पे। मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी को कैसा दिखेगा? अरे नहीं, ए प्लस बी, आप टारगेट से कहीं भटक रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा ही दिखना चाहिए था। कौन कौन एग्री, रेज योर हैंड। ठीक है, तो शिवम a प्लस b प्लस c की वैल्यू मुझे चार दे रखी है। चार दे। ठीक है, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का बनाऊं तो मैं क्या इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अगर a b c करूं तो ये भी मेरे पास है, तो माइनस थ्री टाइम्स a b प्लस b c प्लस c ये दिखेगा। यस मैम, यस। तो चार इंटू इसकी वैल्यू चार यानी कि 60 माइनस थ्री इंटू फाइव राइट, तो फोर इंटू वन, तो फोर नहीं आना चाहिए था भाई, 20 तो कहीं पहुंच गए। ओके क्या कहते हो, मेरे को लगता है गाड़ी तेज भाग गई आपकी थोड़ी सी। यार मैम थोड़ा सा गलत हो गया। ओके नो इश्यूज, तो क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? मैम ए स्क्वायर प्लस बी। हाँ जी बोलिए। मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे इसका, तो मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ओ का मैम कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मैम इनटू कर देंगे। मैंने माइनस कर दिया, मैंने पूरा होल स्क्वायर लिखा उसमें से माइनस कर दिया, माइनस टू ए बी माइनस बी सी माइनस, मेरे को पंकज भी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी पंकज बोलिए। माइनस तीन कैसे आया पंकज? देखिए मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए अगर कहीं दिखता तो क्या मैं उसको बेझिझक बिंदास होके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? मुझे वैल्यू किसका चाहिए था? मुझे इसका चाहिए था। तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को ऐसे ही रख के और इन तीनों को बोलूं भाई इनको धक्का मार दो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोलेंगे? यस मैम। तो भाई ये माइनस दो वाले को जब इसका माइनस एक वाला जोड़ीदार दिखा तो इसके साथ कंबाइन होके माइनस तीन बना या नहीं? यस। वो वैसे वैसे सी वो छोटा सा नंबर बटन वाला मोबाइल नहीं होता 1100, कई बच्चों के पास होगा भी शायद। देखा है किसी ने वो मोबाइल छोटे वाला, इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, इंस्टा नहीं चलता? यस मैम, यस मैम। उसमें एक गेम चलती थी वो जिसमें एक वो डब्बा सा उठा के साथ साथ बड़ा बड़ा वो स्नेक वाली। यस मैम, यस मैम। तो इसलिए तो वही करना है, अपना जोड़ीदार ढूंढना है और उसके पास चला। किस किस ने खेल के वो गेम? यस मैम खेल खेली है, मेरे को तो लगा आप लोग वो पबजी वाले हो। पबजी है ना, पबजी भी कोई गेम आई थी ना, क्या कहते हो मैम? मैम को पिछले वाले क्वेश्चन है मैम। क्या मैम? मैम को पिछले वाले क्वेश्चन में कोई आपने करा है? हाँ जी बोलिए मैम। इसमें a प्लस b प्लस c का मैम स्क्वायर करके दोनों साइड
फोर का भी मैम स्क्वायर करके फिर मैम आइडेंटिटी बन रही है, मैम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। वही तो कर रहे हैं बच्चे, वही कर रहे हैं। अगर किसी को वैसा नहीं समझ आ रहा वो वैसा कर ले, वो क्या करे इसमें माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर ले और उधर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर ले, टू ए बी सी ऐड कर दे और माइनस टू ए बी माइनस कर दे, तो भी चलेगा। मैम आ गया ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आपका आइडेंटिटीज के बेस था, अभी हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज की। रेडी एवरीवन? यस मैम। जब जब किसी एक्सप्रेशन में, सिंपल से बात करती हूँ, जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है, यानी कि जैसे x प्लस 3 पड़ा है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। यस मैम। जब इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई मैम। यस मैम। तो अगर यही इक्वालिटी को हटा के x प्लस 3 को ग्रेटर देन कर दूं, लेस देन कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूं, लेस देन इक्वल्स टू कर दूं, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी अपने आप में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर यही मैं बोलती कि x 4 के बराबर है, तो आपको पक्का पक्का पता था कि x 4 ही है, ना कम ना ज्यादा। यस मैम। अगर मैं बोल दूं कि x 4 से बड़ी है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 या 4 से कम कभी नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, 4 से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी 4 से, ज्यादा होगी। अगर मैं बोल दूं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब 4 4 हो गया, 4 से ज्यादा होगी। तो समझ आई बात? यस मैम। यस। अब अगर मैं बात करूं भाई 7 2 से ज्यादा है, तो ये सबको क्लियर है, सब एग्री? यस मैम। इसी को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि -7 कर दूं, -2 कर दूं, तो क्या अब एग्री हो? यस मैम। यस मैम। सही नहीं है? हम सही है। यस मैम सही है। सब क्लियर है? Yes, तो भाई सीधा सीधा सा फंडा है, जब मेरी कोई इक्वालिटी होती है, अगर पॉजिटिव नंबर में है, अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मूव घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। थोड़ा वैसे वैसे हमने कोई डिमांड कर ली मम्मी से पापा से, उन्होंने मना कर दिया। क्या कर दी मैम? उन्होंने मना कर दिया। मान लो ऋतिक ने बोला कि मेरे को कोई नया मोबाइल ले दो, उसने मॉडल भी डिसाइड कर दिया, पापा ने बोल दिया कि मैं नहीं दिलाऊंगा, ऋतिक आप कैसा रिएक्ट करोगे? मैम दुखी हो जाऊंगा थोड़ा सा। एक दो दिन तो मुंह सा फुलाएंगे। हाँ मैम। या तो घर वाले मान जाएंगे या हम मान जाएंगे। तो इनइक्वालिटी तो थोड़ी सी मानती नहीं है, वो तो फिक्स ही है। ठीक है चलो। yes, अगर 3 ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो बच्चे कैसी दिखेगी? तब भी बोलोगे कि 5 ग्रेटर देन 3 है, तब भी मैम बड़ा जाएगा। yes, ma'am. और अगर 3 में से 2 ही माइनस कर दूं, तो भी इसको कोई आपत्ति नहीं है? नो मैम। यस यस मैम। अगर 3 ग्रेटर देन 1 है और 3 को 2 से गुना कर दिया, 1 को 2 से गुना कर दिया, 6 ग्रेटर देन 2, इसको आपत्ति किस चीज से? नेगेटिव से। नेगेटिव से सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड से, यानी कि अगर 3 ग्रेटर देन 1 है और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको घूमेगा ही घूमेगा। यस मैम। ओके मैम। ग्रेट। यस सबको क्लियर? तो बच्चे एक इंटरवल्स की बात होती है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 तरह के इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है? यस मैम। तो जब हम बात करते हैं नंबर लाइन पे, ये मेरी नंबर लाइन है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक, और ये मेरा 2 है। तो जब एक इनइक्वालिटी होती है, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन, तो उसको नंबर लाइन पे हम शो करते हैं होलो सर्कल से। मैम ओपन।
ओपन वाला पहले इसको नंबर लाइन खोल लो सर्कल, जाने की दो इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर? तो दो से बड़ा, जाने की आपको ये तो क्लियर है कि दो से बड़ा इधर को इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी तो कभी बंद होता ही नहीं, ओपन रहता है, ओपन दो, दो इंक्लूडेड नहीं है तो दो भी ओपन है, ये नंबर लाइन बता दी मैंने और मैंने आपको इंटरवल लिखना बता दिया, क्लियर है? ओके मैम। अब इन द सेम वे माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जा रहे हैं और ये दो है, वो अभी भी ओपन है लेकिन बोले दो से कम है, जाने की माइनस इनफिनिटी से दो और दोनों तरफ ओपन रहेगा, ओपन ब्रैकेट। फिर अगली बार ये दो, अब ये दोनों है इक्वल तो डार्क सर्कल माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी जाने की दो या दो से बड़ा, टू तो मैम क्लोज ब्रैकेट। अब इन द सेम वे दो और ये ऐसे डार्क करा और इधर को चले तो माइनस इनफिनिटी से दो, इनफिनिटी हमेशा ओपन रहती है, अब दो क्लोज, क्या सबको बात क्लियर? ओके मैम। यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो। तो अगर इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो आप कर सकते हो, और इसको अगर इंटरवल में लिखना तो फटाफट आओ, दो लिखेंगे चार लिखेंगे, दो ओपन चार क्लोज, यस मैम, दो लिखेंगे पांच लिखेंगे, दोनों क्लोज, वन लिखेंगे चार लिखेंगे, दोनों ओपन, दोनों ओपन, दोनों ओपन मैम, ये भी दोनों ओपन, ओपन, एक से तीन लिखूंगी, पांच से नौ लिखूंगी, पांच से नौ ओपन, 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 यूनियन कर दूंगी, और बात कर रहे हैं? यस मैम, क्लियर है जी? यस मैम, यस मैम। तो आई गेस बच्चा पार्टी हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे फॉर यू गाइस, क्या कहते हो? अभी थोड़ा सा अपन फीडबैक ले लेते हैं, ये जो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज है, छोटा सा टॉपिक प्लस लॉगरिथम, इनको कल वाली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, क्या कहते हो? यस यस। तो माई डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे को ये बताओ कितने लोगों को क्लास सही लगी, मतलब समझ आया, कितने लोगों को लगा रहे नहीं यार नहीं मैम अच्छी थी मैम क्लास, तो मतलब कितने लोगों को लगा भी चलेगा समझ आ जाएगा इतना मुश्किल नहीं है? यस मैम अच्छी थी क्लास। अरे अश्मित अच्छा सा रिएक्शन नहीं आया, मजा नहीं आया, जोश वाला रिएक्शन नहीं आया, ठीक है। तो कितने लोग डीपीपी करके आएंगे कल मैम? करिए आएंगे, अब हमारी क्लास थर्सडे को है, सब करके आएंगे, अच्छे से करके मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। मैम एक डाउट बता दो। हाँ जी रितिक बोलिए। मैम जैसे आपने भी मैम बेसिक बताया था मैथ का, मतलब टेंथ से रिलेटेड अपने रिकॉल करवाया हमें हमारा सिलेबस, मैम जैसे अभी इलेवंथ में आप हमें एनसीईआरटी बेस्ड कुछ नहीं पढ़ाओगे, मतलब मैम जैसे आप वो टॉपिक्स अलग अलग उठाओगे जेई के, तो मैम जैसे एनसीईआरटी से आप कुछ एनसीईआरटी वाइज चलोगे? रितिक आप मेरी बात सुनो, मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए थे वो मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स बताए हैं, जैसे ट्रिग्नो, जब ट्रिग्नो हम उठाएंगे तो डेफिनेटली उसके बेसिक्स से ही शुरू करेंगे। यस मैम ठीक है ना। तो ये कि थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि अब हमारा बैच काफी लेट शुरू हो रहा है तो हमें थोड़ा सा तो स्पीडली करना होगा। यस मैम यस मैम। बाकी जितना कॉपरेट आई कैन डू मैं आप लोगों के साथ करूंगी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि भाई हमारी क्लास 10 बजे तक चलेगी। एक्सक्यूज मी मैम। हां जी एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरे को भी क्वेरी है कि मैम रिकॉर्डिंग क्लास और मैम नोट्स कहां होंगे? ओके रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स कहां होंगे? आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे निशांत। यस मैम। ओके तो बच्चे ये आपका जो लिंक है ये आपके ग्रुप में फिजान सर आप लोग कर देना अपडेट ये लिंक को। जी मैं बच्चों आपके ग्रुप में ही ना ऊपर जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन होता है उसी में मैं मैम का लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप उस पे जब भी क्लिक करोगे ना तो आपको सारी चीजें उधर दिख जाएंगी।
ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ तो आप लोग उधर से एक्सेस कर अभी डाल दीजिए, जैसे मैं अभी नोट्स अपडेट कर दूंगी तो इनको मिल जाएंगे इनके क्लास के बाद, तो मैंने डीपीपी ऑलरेडी वहां पर अपलोड कर रखी है। ओके ओके मैम। हाँ जी, किसी और को कोई और डाउट? नो मैम। मैम हाँ जी बोलिए। मैम जैसे कि कोई क्वेश्चन होते हैं मैम, कोई डाउट में कोई मैम क्वेश्चन होंगे तो मैम वो पूछ सकते हैं? अरे हाँ, मैंने तो आपको बोला कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्लास में 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, 8:15 पे ज्वाइन हो जाओ। मैम जैसे कोई और टॉपिक है मैम, जैसे कि बाइनोमियल के क्वेश्चन है मैम, वो वाले भेज सकते हैं? हाँ पूछ सकते हो बच्चे, डोंट वरी, आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। मैम अगर मैं केवल डीपीपी करूं और मतलब नोट्स ना बनाऊं तो चलेगा? मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो, किस चीज के लिए चलाना है? मैम मतलब मैम मैं डीपीपी जो डेली आएगी मैम वो तो मैम मैं कर लूंगा मैम, बट मैम नोट्स मैम वो भी बनाने होंगे। नोट्स ऐसा कोई वो नहीं है कि पीयूष आपको कोई नोट्स लेके बैठना है सजाने हैं, नथिंग लाइक दैट। आप जब क्लास में बैठे हो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ नोट करते जाओ, सॉल्विंग करते जाओ, दैट इज कॉल्ड नोट्स। मैम पीवाईक्यू इनफ है मतलब कि जेई के लिए? हाँ, अब आपका ये भी, अब मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो अगर आप पीवाईक्यूज की बात करते हो, मैंने ना अभी जैसे लास्ट वीक जैसे हम कभी भी ना बीच में PYQs की सीरीज शुरू कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बच्चों को प्लस टू का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसके PYQs कराए, कैन यू इमेजिन कि मेरे सिर्फ 2023 में, अच्छा 2023 में कितने पेपर हुए थे ये किसी को पता है? एनीवन 24 शिफ्ट्स हुई थी, यानी कि 12 दिन पेपर चला था, एग्री? तो जो इंटीग्रेशन है उसकी ऑन एंड एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 48। तो एक साल के 48 क्वेश्चंस हैं और आप 5 साल के कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 40। एक साल के 48 हैं, एक साल के 50 मान लो, 5 साल के 250 क्वेश्चन हो गए। Yes. तो अगर रेगुलर क्लास के साथ में वो 250 क्वेश्चन भी कर रही हूँ तो आई गेस काफी है आपके लिए, क्या कहते हो? Yes, ma'am. जैसे अगर रेगुलर क्लास yes, में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको डीपीपी में 25 से 30 क्वेश्चन दिए हैं, तो इससे ज्यादा कहाँ जाओगे? और मॉड्यूल आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। मैम डीपीपी कहाँ पे आएगी वैसे? डीपीपी उसी शीट पे जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, पहला कॉलम रिकॉर्डिंग का, सेकेंड डीपीपी नोट्स का, थर्ड डीपीपी का। मैम आप डीपीपी चेक भी करोगे? रितेश आई कांट कम एट योर प्लेस टू चेक ना, मैंने वही बोला कि थोड़ी सी मेरे को वो कहते हैं ना होनेस्टी आपके तरफ से भी चाहिए। यस मैम, है ना मैम, कि आप डीपीपी का चेक कर दो आप अपने डाउट्स, क्योंकि अगर कोई बच्चा डाउट्स पूछे डेफिनेटली उसने करे हैं, ठीक है ना? अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, स्टिल अगर किसी को कोई भी क्वेरी है कुछ पूछना है दे के ना आस्क, अगली वीक लोग पढ़ेंगे। क्लियर मैम? पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक क्या होगी वैसे?